बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कश्तियाँ भाई आपको दिखा रहा हूँ, साथ में सैख वालों का, टूरिज्म वालों का दफ्तर बना हुआ है। इधर से आप आगाही वगैरह भी ले सकते हैं बैठने के लिए। बहुत खूबसूरत किस्म की उन लोगों ने एक छत वगैरह तैयार की हुई, यानी कि एक आप बोल रहे हैं बैठक बनाई हुई है बैठने के लिए। बहुत खूबसूरत पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं। तो टूरिज्म तो अभी बहुत कम आते हैं इस वायरस के चलते हुए, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पत्थर आप देख लें कैसे हैं। पहले मैं इस वक्त मौजूद हूँ सऊदी अरेबिया के एक मशहूर व मरूफ शहर के करीब, यानी कि जज़ान से कुछ देर आप बोल रहे हैं सफ़र पीछे हूँ, यानी कि तरब है जो जज़ान से पहले आता है। जो भाई इधर आए हुए हैं उनको पता होगा जी, तो तरब के साथ ही हूँ मैं। यहाँ पर साहिल समुंदर बिल्कुल रोड के ऊपर है, तो हम जा रहे हैं आगे जज़ान की तरफ। तो मैंने बोला आप भाइयों के साथ ये साहिल समुंदर भी शेयर करता चलूँ। आगे जाता हूँ मैं, आगे जाकर समुंदर वहाँ से करीब से आपको दिखाता हूँ। वहाँ से देखते हैं कि इसका जो साहिल समुंदर है वो भी क्या पत्थरों में है, यानी कि यहाँ रेत वगैरह है उधर। तो आगे चलते हैं देखते हैं जी। तो मैं पहुँच चुका हूँ साहिल समुंदर के ऊपर, देख लें समुंदर आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर एक दो चीज़ें खास हैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि इस साहिल समुंदर की खास बात क्या है, जो कि जज़ान का बोल रहे हैं आप, जज़ान का साहिल समुंदर है। सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ मैं वाइट कलर की रेत, आप देख रखे होंगे, देख लें ये वाइट कलर की रेत है और ये साहिल समुंदर बिल्कुल रेत के ऊपर। आगे मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। उसके अलावा एक बाहर चीज़ पड़ी हुई है, ये देख लें आप। मैं तो इसे ऐसे ही समझ रहा हूँ जैसे किसी लड़की की गुत की हुई ना, बालों की गुत जो करते हैं, तो वो है देख लें जी आप। तो ये रसा है बहुत बड़े टाइप का, तो मुझे तो समझ नहीं आई ये कहाँ से निकला है, किधर से आया है, आप भाई मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा, तो देखते हैं ये भाई जो समुंदर के अंदर से निकलती है घास वगैरह, ये वो चीज़ें हैं। उनके अलावा कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ खास चीज़ें, जैसे कि ये है एक, ये देखें जी आप, पता नहीं क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। अभी पत्थर देख लें आप कैसा है। और आगे देख लें समुंदर। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये क्या पड़ा हुआ है पता नहीं यार, ये भी समुंदर के अंदर से कुछ निकला है भाई, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। अच्छा ये देख लें, ये रेत है। हम अगर इसके ऊपर इधर नाम लिखते हैं कोई मिसाल के तौर पर, तो पानी आता है, देखें जी ये आ गया जो नाम लिखा है वो मिट गया है। तो माशाल्लाह 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 पीछे हो जाते। तो ये साहिल समुंदर काफ़ी खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती की सबसे मेन वजह जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि ये रेत के ऊपर है बिल्कुल। आप यहाँ पर लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो नहाने के ऊपर तो मुझे पता नहीं है कन्फर्म कि नहा भी आप सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये कन्फर्म है कि आप ये साहिल समुंदर को एंजॉय कर सकते हैं अच्छे तरीके से। हालांकि मैंने इससे पहले अलवज का भी साहिल समुंदर देखा हुआ है, वो भी खूबसूरत था, लेकिन ये मुझे उससे भी खूबसूरत लगा है। तो और आगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा जज़ान की तरफ, जज़ान के नज़दीक तरीन जो मकामात हैं उनकी भी आप भाइयों के साथ इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन वीडियो शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।